हेलो इंजीनियर्स, दिस रोबोटिक्स कांति। तो आज आपके लाए हैं ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, ये डिस्प्ले एक्चुअली लाइट के माध्यम से हम लोग इसको बनाया नहीं है, ये एनालॉग तरीके से इसको बनाया है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से ये काम करता है। तो ये जो डिस्प्ले मैंने छोटा करके बनाया है, आप चाहे तो बहुत बड़ा डिस्प्ले बना सकते हैं और इस पर कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी आप इस पर बना सकते हैं अपने कोई भी माइक्रोकंट्रोलर के माध्यम से। तो मैंने इस पर जो आर्डिनो का माइक्रोकंट्रोलर है उसको इस्तेमाल किया है और कॉयल के माध्यम से इस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके हमने ये डिस्प्ले बनाया है। बहुत ही बढ़िया ये गैजेट है, अगर आप देखेंगे तो आप भी आसानी से घर पर बना सकते हैं ये गैजेट। तो चलिए सीखते हैं ये गैजेट किस प्रकार से हम लोग आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्पॉन्सर ऑफ वीडियो चेएलसी पीसीबी। नया पीसीबी के लिए गर्बर फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर पीसीबी। अच्छे क्वालिटी पीसीबी के लिए चेएलसी पीसीबी। देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो ये जो कॉयल है हमने राउंड राउंड करके घुमा दिया है, करीबन 150 राउंड हमने इसमें घुमाया है। तो इस कॉयल के मदद से इसके अंदर जो जो कि मेटल है वो मैग्नेट हो जाएगा, एक नॉर्थ होगा एक बार साउथ होगा। किस प्रकार से होगा, जब भी इस दो वायर पे एक बार पॉजिटिव नेगेटिव दूंगा तो ये नॉर्थ होगा, अगर उल्टा करके पॉजिटिव नेगेटिव के जगह उल्टा करके दे दूंगा तो ये साउथ हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ये काम कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो रहेगा वो इस तरह होल होके इसके अंदर एक मैग्नेट हम लोग फिट करेंगे, इस तरह का एक मैग्नेट हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे। तो फिट करने के बाद क्या होगा, जब भी इसके अंदर का मेटल मैग्नेटाइज होगा तो ये इसको खींचेगा, खींचने के बाद ये इस तरफ हो जाएगा और उल्टा जब भी वोल्टेज देंगे तो उल्टा करके खींचेगा, खींचने के बाद ये दूसरी तरफ हो जाएगा। होने के बाद क्या होगा, हम लोग इस पर एक साइड पे हम लोग एक कलर दे देंगे और दूसरी साइड पे ब्लैक कलर दे देंगे, ठीक है। तो ये करने से ये आसानी से हम लोगों को दिखाई देगा। तो मैं अभी इस पर फिट करता हूँ, फिट करने के बाद आप लोगों को दिखा दें किस प्रकार से ये एक्चुअली में काम करता है। तो अभी देखिए ये फिट हो गया है, तो इस तरफ और इस तरफ ये मूविंग कर रहा है। तो जब भी इस पर वोल्टेज देंगे तो ये एक तरफ मूविंग होगा। तो आप लोगों को अभी डेमो दिखा दें वोल्टेज इस पर लगा के। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जब भी हम लोग नेगेटिव लगाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव लगाने के बाद ये मूविंग होगा। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं, तो जब भी इस पर नेगेटिव लगा रहे हैं और पॉजिटिव, तो देखा आपने ये मूविंग हुआ है। तो जब भी इसको घुमा के अगर लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे और वहाँ पे नेगेटिव, तो ये फिर से घूमेगा। तो देखा आपने इस तरह ये घुमा है। तो हम लोग इसके मदद से आसानी से एक क्लॉक बना सकते हैं, कोई भी डिस्प्ले बना सकते हैं। तो इस पर हम लोग जो कि ट्रांजिस्टर के माध्यम से इस पर वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव को उल्टा करके दे देगा, सीधा करके दे देगा, देने के बाद ये काम करेगा। और इस ट्रांजिस्टर को हम लोग ऑपरेटिंग करेंगे एक आर्डिनो की मदद से, इसका प्रोग्रामिंग करके हम लोग आसानी से एक डिस्प्ले बना सकते हैं। तो अभी चलिए इसको बड़ा करके आपको दिखाते हैं, बड़ा करके बना के आप लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। Thank you.
देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने कुछ सारे एक साथ करके हमने बना दिया, जो कि इसको जब भी मूविंग करेंगे दूसरी तरफ एक कलर आ जाएगा और इस तरफ ब्लैक कलर हमने कर दिया है, और इसके अंदर जो मैग्नेट हमने फिट कर दिया है, ठीक है। तो जब भी कोई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये उल्टा तरफ घूमेगा और सीधा होके घूमेगा। इस प्रकार से हम लोग डिस्प्ले को बना सकते हैं, और बहुत सारे हम लोग अगर बनाएंगे तो बहुत सारे मेगापिक्सल का हम लोग जो कि एक डिस्प्ले बना सकते हैं। तो अभी इसको चला के आपको दिखाते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक घर पे हम लोग बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।